हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मनोविज्ञान विषय में हम लोगों ने 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक दो सीरीज में उसको सॉल्व करवाया है। तो दोस्तों, अगर किसी का वह छूट गया है, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और वहां से आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं बताने जा रही हूँ वह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है या किसने माना है? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है विलियम वुंड, विलियम जेम्स और आदि मनोवैज्ञानिकों ने, लेकिन विलियम वुंड और विलियम जेम्स का नाम प्रथम लिया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि विलियम वुंड और विलियम जेम्स, इन दोनों लोगों का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया था? दोस्तों, स्याही धब्बा परीक्षण एक व्यक्तित्व परीक्षण था और इसको किया था हरमन रोडसा जी ने 1921 में। और दोस्तों, यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इस स्याही धब्बा परीक्षण में दोस्तों 10 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 5 कार्ड्स पर व्हाइट और ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं और जो 5 कार्ड होते हैं उनमें अलग अलग कलर के रंग होते हैं और उन्हीं के द्वारा यह व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। एक बच्चा सा और वाच तथा अनक्लियर और न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वह किससे ग्रसित है? दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, वह बच्चा सा को वाच पढ़ रहा है या अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ रहा है, तो यहाँ पर उस बच्चे को क्या, उस बच्चे को पठन विकार है, वह सही से पढ़ नहीं पा रहा है। तो पठन विकार को कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में डिसलेक्सिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए उस बच्चे को कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया की। तो दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है? दोस्तों, भूल भुलैया परीक्षण जो कि एक बुद्धि परीक्षण है, इसके लिए आयु होती है 5 से 10 वर्ष के बच्चों पर यह प्रयोग या यह परीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ज्ञान और अभिवृत्ति दो शब्द हैं और यहाँ पर देखिए क्रो एंड क्रो, ये दोनों लोग, दोनों मनोवैज्ञानिक भाई थे। तो दोस्तों, इसीलिए इन दोनों लोगों ने मिलकर यह परिभाषा दी थी। तो इस कथन को क्या कहा गया? क्रो एंड क्रो ने दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञान और अभिवृत्ति और यहाँ पर क्रो एंड क्रो, तो थोड़ा सा आप लोग इसको यहां से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विलियम वुंड ने किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो उसका आंसर होगा विलियम वुंड। यहाँ पर पूछा है विलियम वुंट ने किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो वह की थी जर्मनी के लिप्जिग शहर में। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अधिगम मनोविज्ञान, तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं एविंग हास। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप लोगों को जो क्वेश्चन याद है, अच्छी बात है, याद है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन लगता है कि नहीं याद है या आप भूल सकते हैं, तो उसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए।
ये क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आप लोगों का इन सब क्वेश्चंस को तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको यूपी टेट हो या सी टेट हो या कोई भी अदर टीचर से रिलेटेड एग्जाम हो, उन सब में मनोविज्ञान तो पूछा ही जाता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, मांग का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों मांग का सिद्धांत दिया है अब्राहम मैस्लो ने। और दोस्तों जब मैंने ट्रिक के माध्यम से इसको बताया था अधिगम चैप्टर में, तो वहां पर इस तरह से ज्वाइन किया था इसको, यहाँ पर मांग और मैस्लो। तो हमारे देश में मसाले निर्यात किए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे व्यापारी, चाहे वो अंग्रेज हो, डच हो, पुर्तगाली हो, जब सब आए थे तो मसालों के व्यापार के लिए हमारे देश में आए थे, अगर इतिहास में देखा जाए तो। यहाँ पर दोस्तों मसालों की मांग, तो मांग का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। मैस्लो को मसालों और मांग, मांग ही रहेगा तो मसालों की मांग। इसको थोड़ा सा दोस्तों आप वहां से रिलेट करके याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा कि मांग का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। यह छोटा सा ट्रिक, मसालों की मांग। दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने इस सिद्धांत को दिया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के मूल मांग में कितने अभिप्रेरक होते हैं? तो दोस्तों वर्ष 1954 में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या इसी को हम मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। और मैस्लो ने इसे ही मनुष्य की पांच आवश्यकताओं को के रूप में चिन्हित किया है, जो कि इस प्रकार हैं। पहली शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर सम्मान और सबसे लास्ट में आत्मानुभूति आवश्यकता। तो दोस्तों यहाँ पर मैस्लो ने बताया है कि सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होनी जरूरी हैं। जैसे कि दोस्तों एक मूवी बन रही है, रोटी कपड़ा मकान, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपको अपनी भूख मिटानी है तो भूख क्या है? शारीरिक आवश्यकता है ना। तो उस तरीके से दोस्तों सबसे पहले क्या आता है? शारीरिक आवश्यकता आती है। जब आपकी भूख मिटी रहेगी तब आप कपड़ा ढूंढेंगे अपने लिए, फिर कपड़े के बाद फिर मकान। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी आपको कनेक्ट करके याद करना है कि शारीरिक आवश्यकता के बाद फिर सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी उस मनुष्य को, फिर सुरक्षा के बाद सामाजिक आवश्यकता। समाज में ही तो रहना है, सबके साथ रहना है, तो समाज से सामंजस्य बना के तो चलना पड़ेगा। फिर आता है सम्मान, हर व्यक्ति सम्मान से जीना चाहता है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आत्मानुभूति। ठीक है दोस्तों, यानी कि आत्म सिद्धि की मांग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला है शारीरिक आवश्यकता, और ये जो सबसे बात की है आत्मानुभूति या आत्म सिद्धि की मांग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यही दोनों एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे भी जाते हैं, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। बीच का भले आप भूल जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन शारीरिक आवश्यकता और आत्मानुभूति इसको जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आगे देखते हैं, तो मैस्लो के मूल मांग कितने हैं? ये क्लियर हुआ दोस्तों? मैस्लो के मूल मांग में पांच अभिप्रेरक तत्व हैं। अब नेक्स्ट है, मैस्लो की कौन सी मांग प्रबल है या किस आवश्यकता की पूर्ति सबसे पहली होनी चाहिए? दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया इसमें 49 क्वेश्चन में कि सबसे पहले दैहिक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले यह आवश्यकता इंसान अपनी पूरी करनी चाहता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, सबसे कमजोर मांग का सिद्धांत या किस मांग की पूर्ति सबसे बाद में होती है? तो सबसे बाद में होती है आत्म सिद्धि की मांग, इसी को हम आत्मानुभूति भी कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आप लोगों को यह क्लियर हुआ होगा। मैस्लो का मांग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मनोविज्ञान की दृष्टि से। इसको आवश्यकता का सिद्धांत,
मांग का सिद्धांत या अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। इसके कई नाम है तो आप लोग याद रखिएगा, क्या पता एग्जाम में किस नाम से पूछ ले, अगर आप याद रखे रहेंगे तो आपके लिए ही आगे काम करेगा यह। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किया जाता है व्यक्तित्व मापन में, तो 16 PF परीक्षण का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। अब दोस्तों इसके आगे देखते हैं, 53 है, 16 PF परीक्षण का प्रयोग या निर्माण सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों 16 PF परीक्षण व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटल द्वारा किया गया था। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 सील गुणों का मापन किया जाता है, और यह सील गुण दोस्तों इस प्रकार से है, मैं एक एक का नाम आप लोग बताती हूँ। 16 सील गुणों का पहला है ईमानदारी, फिर है सत्यता, फिर है अधिनायकतावाद या अधिनायकवाद, सत्य एवं अहिंसा, कर्तव्य निष्ठा, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार, कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह एवं आत्म गौरव। तो यह दोस्तों व्यक्तित्व मापन में इन सारे सील गुणों को लिया गया है, ठीक है दोस्तों। और अगर देखा जाए तो यह बिल्कुल सही भी है, किसी भी अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति में यह सारे गुण होने चाहिए, चाहे वह ईमानदारी हो, चाहे वह परोपकार की भावना हो, चाहे समय की पाबंदी हो, व्यवहार कुशलता हो, यह सब एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है। तो यह जो 16 सील गुण है इसको किसने दिया था? कैटल ने दिया था। और यह 17 वर्ष से अधिक यानी कि लगभग किशोरावस्था से ऊपर के लोगों पर यह टेस्ट किया जाता है, 16 PF टेस्ट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है मुझे आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट है, प्रक्षेपण विधियां किसका मापन करती हैं? तो प्रक्षेपण विधियां व्यक्तित्व का मापन करती हैं, चाहे वह दोस्तों कैट परीक्षण हो, टेट परीक्षण हो, 16 PF परीक्षण हो, प्रक्षेपण विधियां हो, यह सब किसका मापन करती हैं? व्यक्तित्व का मापन करती हैं। और जो व्यक्तित्व चैप्टर है वह मनोविज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वह बुद्धि का चैप्टर हो, चाहे वह अधिगम का चैप्टर हो और व्यक्तित्व का चैप्टर, ये तीन चैप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मनोविज्ञान विषय में। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है? तो दोस्तों प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था, यानी कि जब बालक 6 वर्ष का होता है या 6 वर्ष में प्रवेश करता है तब उस बच्चे का विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन रखने का मेरा तात्पर्य इसीलिए था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आजकल बच्चों को लोग 3 साढ़े 3 साल पर ही स्कूल भेजना लगभग प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको वो नहीं देखना मनोविज्ञान क्या कहता है, आपको ये देखना है, आपको आपको हमेशा जब भी आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको मनोविज्ञान की भाषा में बच्चे की अवस्था क्या है उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, और आपको शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षण शास्त्र क्या कहता है, यह सब उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो अब प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था मानी जाती है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था की जो एज होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो 6 वर्ष की अवस्था होगी वह बाल्यावस्था में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की सबसे अच्छी अवस्था होगी, ठीक है। तो बाल्यावस्था विद्यालय में प्रवेश की सबसे अच्छी अवस्था है, तो इसीलिए हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय में जब बच्चा 6 साल का होता है तभी उसका एडमिशन लिया जाता है, ठीक है दोस्तों, बहुत जरूरी है ये आप लोगों को जानना। अब क्वेश्चन नंबर 56 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह किसका कथन है? दोस्तों यूपी टेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। और दोस्तों यह क्वेश्चन हमेशा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या
यूं कहें कि यह परिभाषा हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट परिभाषा रही है और लगभग जितने भी लोग मनोविज्ञान के छात्र हैं लगभग सबको याद भी रहती है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आप सबको याद होगी यह परिभाषा और किसने दिया है यह भी पता होगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, कहा है स्टैनले हॉल ने। और यह कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। और दोस्तों इन्होंने किशोरावस्था पर बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया था और एक किताब भी लिखी है किशोरावस्था पर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों जो संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे बच्चे खिलौनों को इकट्ठा करते हैं, बॉक्स इकट्ठा कर लिया, उसमें पेन पेंसिल ढेर सारे इकट्ठा करते हैं, या लड़कियां गुड्डे गुड़िया गुड़ियों के साथ खेलती हैं, तो ये सब चीजें, या मिट्टी के खिलौने, तो ये सब बच्चे क्या करते हैं? संग्रह करते हैं ना, मेरे पास बहुत सारा हो, इस तरह बच्चों के अंदर भावना होती है। तो ये सब भावना होती है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। तो इसीलिए जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए दोस्तों आंसर है बाल्यावस्था, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों थार्नडाइक ने बुद्धि के बताए हैं 3 प्रकार, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर नहीं आता तो प्लीज आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। थार्नडाइक के अनुसार मिस्त्री, इंजीनियर, कारीगर किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों चाहे वह मिस्त्री हो, चाहे वह इंजीनियर हो, चाहे कारीगर हो, सब लोग क्या यूज करते हैं? यंत्र यूज करते हैं। जैसे घर बनाने वाला मिस्त्री है तो वो कुछ सामान, कुछ अपना यंत्र यूज करता है ना घर बनाने के लिए। कोई इंजीनियर है या कोई कारीगर है, कोई साइकिल बनाने वाला है, या कोई भी इस तरह का व्यक्ति है जो काम कर रहा है या कारीगर है, तो वह किसी ना किसी यंत्र का यूज तो करता होगा। तो इस प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि को कहा जाता है यांत्रिक बुद्धि, यानी कि जो यंत्रों का प्रयोग करते हैं उनकी बुद्धि यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। किसके अकॉर्डिंग? थार्नडाइक के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, गृह कार्य न करने वाले, क्रोध व झगड़ा करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, असामाजिक कार्य करने वाले बालक किस प्रकार के बालकों के अंतर्गत आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए ये जितने भी प्रकार बताए गए हैं, इस तरह के बालक जो भी होते हैं वह समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, यह सब समस्यात्मक बालक होते हैं। टीचरों के लिए की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों को सही रास्ते पे लाएं और इन्हें अच्छी चीजें सिखाएं ताकि यह समाज में के निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें हमेशा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए जितने भी मैं इकट्ठा कर पाई हूँ आप लोग के लिए, इकट्ठा एक साथ मैंने इसको देने की कोशिश की है कि ताकि आप लोग देख लीजिए और इस तरह का कहीं भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोगों का गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 60 तक देखा और उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये सब चीजें पता चले और ताकि वह भी एग्जाम में आपकी तरह अच्छे मार्क्स लाएं। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कड़ी में, इसके नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद। जय हिंद।